परम अवतार श्री कृष्ण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरु दक्षिणा मांगने पर मुझे तुम्हारा कटा हुआ शीश चाहिए। कंस हो जाता है अवाक। कल सूर्योदय से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। राधा को विदा करो। राधा मत रो गोले, तुम भी तो रो रही हो। मत जाओ, तुम्हारे भी मेरा मन नहीं लगेगा गोले। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी गोले। अपने मन का कुछ भी नहीं करूँगी। मत जाओ। सभी गोकुलवासी कान्हा का सानिध्य पाने हेतु करते हैं गोकुल छोड़कर जाने का निश्चय। जिस प्रकार वृक्ष का जीवन जल होता है, उसी प्रकार नंद और कान्हा जीवन के स्रोत और साथ रहकर ही शक्तिशाली बने रह सकते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहेंगे सब एक साथ रहेंगे। अपने शत्रु विष्णु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग जानने हेतु कंस देता है शुक्राचार्य को अपने शीश की बलि। प्रतीक्षा समाप्त हो गई। पूर्ण होगा मेरा सदियों पुराना प्रतिशोध और से पूर्ण करेगा मेरा यह शिष्य कंस। गुरु शुक्राचार्य द्वारा पुनः जीवित कर देने से कृतज्ञ कंस भाग्य विधाता विष्णु का भाग्य फल जानने को होता है अग्रसर। अपनी पराजय देखने के लिए तैयार हो जा। सभी गोकुलवासी गोकुल को छोड़ कान्हा के संग निकल पड़ते हैं अपने नए निवास स्थान वृंदावन की खोज में। लोभ के मार्ग का अनुसरण करता माणिक बनता है अपने ही गोकुलवासियों के लिए अभिशाप। समझ नहीं पाया जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार है, जिसके अधीन स्वयं अग्नि देव है, जिसके एक संकेत पर सारी विविशिकाएं शांत हो जाए, वो इतना भयभीत, इसका क्या कारण है माते? क्योंकि देव ऋषि राधा को ये ज्ञान ही नहीं है कि वे कौन, उनका सामर्थ्य क्या है। और ऐसी ही अनभिज्ञता प्रत्येक मनुष्य में। किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविक शक्ति अथवा क्षमता का ना आभास है ना ज्ञान है। जिस दिन वह स्वयं को जान लेगा उस दिन संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। आपने सत्य कहा देवी। अर्थात मनुष्य की अवस्था उस मृग के भांति है जिसके नाभि में कस्तूरी है, किंतु वो इस सत्य से अनभिज्ञ यहाँ से वहां भटकता रहता है। मैंने सत्य कहा ना माते? सत्य कहा आपने देवर्षि। कौन आग नहीं
अपने लोगों को संकट में देखकर दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे अपने लोगों को संकट में देखकर। अब मैं अपने लोगों को और कष्ट में नहीं देख सकता। मुझसे अब तुम्हारे काम नहीं हो सकता। मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दो, मुक्ति दे दो। केशनी के बंधन से मुक्ति? असंभव है, क्योंकि केशनी के बंधन से मुक्ति का अर्थ है जीवन से मुक्ति। पीड़ा हो रही है मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। मुक्त कर दो मुझे। मुक्ति का मार्ग है पूर्ति, मेरी इच्छा की पूर्ति। स्वीकार है तो बोलो। स्वीकार है? बोलो क्या करना है? मैं करूंगा। मारना है सबको, मारना है सबको। अंत कर दो सबका, अंत कर दो सबका। ये जो अग्नि धधक रही है उससे गोकुलवासियों की चिता बना दो। इस स्थान को शमशान भूमि में परिवर्तित कर दो। ए अग्नि देवता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए अग्नि देवता। गोपी, मैं आ रहा हूँ गोपी। मेरी सहायता के लिए कौन आ गया? करो, मत जाओ। गोपी, मैं आ रहा हूँ गोपी। गोपी, नहीं करो तुम कहीं नहीं जाओगे। नंदानी को क्या हो गया है? और ये नंदानी को क्या हो गया? यशोदा, 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 यशोदा अग्नि की ओर क्यों जा रही हो? यशोदा चेतना में हो? यशोदा, कोई नहीं बचेगा। दामोदर जी को क्या हो गया? मैं तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। केशनी के राक्षसी प्रभाव के कारण माणिक अपनी माता सरला पर करता है प्रहार। काकी, काकी, बहन जी, आओ, बहन जी को बुला दे। मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे कान्हा? अवश्य काकी, बोलिए ना। मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दीजिए प्रभु। सरला काकी की इच्छा पूर्ण कर कान्हा करते हैं अपने भक्त का उद्धार। नहीं, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अब रात में आपकी नींद में चलने वाली बीमारी खत्म। सच में लीजिए आपके सर दर्द की दवाई। धन्यवाद बहू रानी। आप ये दवाई लेंगी ना तो आपका सर दर्द जो है वो फटाक से दूर हो जाए। चलो रानी। पर बहू रानी, तुम थोड़ा देर हमारा सिर ना दबा देती तो हमको अच्छा नींद आ जाता है। हमें लगता है कि आज हमें ना दो से एक हो जाना चाहिए। विशु जी, हम आपकी मदद करते। मैं क्या चाहता है भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दोनों भाभी माओ ने मेरे लिए दो नए पिताजी ढूंढ लिए। तेनु सूट सूट कर दा, ओ तेनु सूट सूट कर दा, सूट कर दा, तेनु सूट सूट कर दा। सब्जी बनाने वाले काम में तो फेल हो गई तुम, मतलब
हम दोनों फेल हो गए। इब इसमें अपनी लाज बचा लेना ठीक से। कल तो बड़ा फुदक फुदक के बोले थी मैंने बाइक सीखनी से, बाइक सीखनी से। ले बागी बाइक चल चला। तितली उड़ने न तैयार से चल रहा। मैंने न्यू जानना है जी बड़ो घर में है तो तितली ना कपड़े धोना कौन सिखा रहा है। मैंने उससे अच्छे से समझा दिया है। भरोसा करती तू अच्छे से ही धोएगी कपड़े। देखा खाटा ला ली ना मैंने। अरे वाह तू सच में बाइक चला ली।